ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 13 जनवरी 2020 सोमवार का दिन है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और इस दिन संकष्टि गणेश चतुर्थी रहेगी। इसे सकट चौथ भी कहा जाता है, माघी चतुर्थी भी कहा जाता है और तिल चतुर्थी के नाम से भी इसे मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व भी रहेगा। पंजाबी लोग विशेष रूप से लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी पर्व का विशेष महत्व माना गया है। तो सभी भाइयों और बहनों को लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप फूले आगे बढ़े, उन्नति करें, प्रगति करें, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण लगातार बना रहे। अश्लेषा नामक नक्षत्र कर्क राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना चेहरा देख करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि धनु राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में, मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में, बुध धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, सिंह, धनु, तुला और कुंभ ये 5 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा और इनको अचानक कहीं से कोई खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है। रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, रोजगार कार्यक्षेत्र में, नौकरी में पदोन्नति का या अच्छे बड़े फायदे का योग इनके लिए बनने वाला है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल तथा उनको करने वाले उपाय एवं भाग्यशाली अंक बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सफलता पाने के लिए आप लगातार मेहनत करेंगे, कैरियर में आपको सफल परिणाम मिलेंगे, परंतु इन परिणामों से आप संतुष्ट नहीं दिखेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका परिश्रम आपको नई पहचान दिलाएगा, आपको नई जगह नौकरी करने का अवसर मिलेगा। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, इस दौरान किसी तरह के विवादों में बिल्कुल न पड़े। बेहतर है कि आप पिछली बातों को भूलकर ही आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय के रूप में यदि आप एक लाल फूल देवी जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपको कैरियर के क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे, कार्य के प्रति आपकी मेहनत और लगन आपके सीनियर्स को दिखाई देगी, ऑफिस में आपके सफल कार्यों को सराहा जाएगा। इस दौरान आपकी पदोन्नति हो सकती है अथवा सैलरी भी बढ़ सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं और किसी तरह का कोई निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो इस समय सावधानी बरतें, उसके बारे में छानबीन करना और पूर्ण जानकारी लेकर ही निवेश आपको करना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान शंकर जी के मंदिर में कच्चा दूध और काले तिल चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपको फिर से अच्छे परिणाम मिलने के संकेत है, परिस्थितियां सुधरेगी और आपको पुनः अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस समय आपको किसी अन्य कंपनी से कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है और पदोन्नति या ट्रांसफर का भी उत्तम योग आपके लिए बनने वाला है। भवन, वाहन इत्यादि सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो सकती है। और उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर में दूर्वा चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। इस समय आप धार्मिक साहित्य पढ़ने में रुचि रखेंगे, नई भाषा को जानने और सीखने में आपकी रुचि रहेगी और विद्यार्थियों को विशेष जो है परिवर्तन के योग बन सकते हैं। और तकनीकी शिक्षा से संबंधित कार्यों में आपको उन्नति मिल सकती है, इष्ट मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, कार्यक्षेत्र में आपकी निपुणता बढ़ेगी और आप एक
अच्छे प्रवक्ता के रूप में उभर कर आएंगे। सफलता आपको जो है साथ लेकर के चलेगी और आप लगातार जो है सफलता को अपने साथ रखेंगे। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े का या कंबल या ओढ़ने की कोई भी वस्तु का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आपको आर्थिक जीवन में छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु इसके बावजूद भी आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति हालांकि मजबूत होगी, कार्यक्षेत्र में एक नई सौगात भी आपको मिल सकती है। मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती भरी यात्रा आपको सुकून देने वाली है। केवल एक नज़र जो है अपने लक्ष्य पर आपको बनाए कर रखना चाहिए, अर्थात आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। आपको पूरी तरह से साहस और उत्साह के साथ में कामकाज करना है, पॉजिटिव तरीके से काम करना है। निश्चय ही काम के क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो कैरियर की दृष्टि से काफ़ी अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। योग और ध्यान में थोड़ा मन लगाने की आवश्यकता भी रहेगी। और उपाय के रूप में सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में लगाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए शुभ संकेत प्राप्त होने वाले हैं और आर्थिक क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। आमदनी में वृद्धि होगी, व्यापार में मुनाफा होगा। आप अपने भविष्य के लिए आर्थिक योजनाएं तैयार करेंगे। अगर आपको लगता है कि जिंदगी वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं तो आपको इस दिन कुछ रचनात्मक बदलाव करने की आवश्यकता होगी। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और प्रेमी के जरूरतों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। आपका जीवन साथी आपसे थोड़ा दूर जा सकता है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने का योग बन रहा है। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से साथी के लिए थोड़ा समय निकालने की आपको आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में किया गया काम आपको नुकसान दे सकता है। और उपाय के रूप में बेसन से बनी मिठाई गणेश जी के मंदिर में चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपको भरपूर आर्थिक लाभ मिलने का प्रबल योग है और आपको कामयाबी अवश्य ही प्राप्त होगी। खर्चों में वृद्धि हो सकती है और कई चीज़ों में आपका धन खर्च होगा। आमदनी के स्रोत भी आपके बढ़ सकते हैं और आप नौकरी बदलने का मूड भी बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र में एक नयापन आपको महसूस होगा, लेकिन पुराने कुछ काम ऐसे हो गए हैं जिनके कारण आपको मानसिक तनाव और दबाव झेलना पड़ सकता है। परिवार के लोगों से आपको हालांकि सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमजोर समझने की गलती कर सकते हैं। इसलिए कमजोर ना समझे, आप बहुत मजबूत है। लक्ष्य बना करके चले, मेहनत से और ईमानदारी से ही आपको एक बड़ी सफलता का उत्तम योग बनने वाला है। और उपाय के रूप में यदि आप मीठे चावल खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। परिस्थितियां आपके नियंत्रण में रहेगी और फैसला आपके हक में आ जाएगा। आर्थिक मामलों में आपका पक्ष मजबूत होगा। वाहन या भवन की खरीदी आप कर सकते हैं और अपने सहकर्मियों या साथ काम करने वाले लोगों के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी जो है कड़वाहट आ सकती है, इसलिए आपको बैलेंस बना करके रखना चाहिए। और उपाय के रूप में एक लाल फल हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध हो और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। पढ़ाई अथवा कैरियर में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। विदेश जाने के संकेत आपको मिलने वाले हैं। प्रमोशन आपका होने वाला है। व्यापार के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई आपको प्राप्त हो सकती है और आपके आय के स्रोत एक से अधिक बनने वाले हैं। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको हो सकती है। घर परिवार के सदस्यों के कारण जो है आपको कोई नई सौगात भी मिल सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप चने की दाल और गुड़ दोनों गाय को खिलाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि अधिक रहेगी। धर्म संस्कृति में आगे बढ़ने का अवसर आपको मिलेगा। आप अपने आसपास के लोगों से घुल मिल करके रहेंगे तो आपको निश्चय ही कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक लाभ के लिए भाग दौड़ अधिक रहेगी, मेहनत अधिक रहेगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है। और उपाय के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में सफ़ेद फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा।
अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। व्यापार व्यवसाय से संबंधित यात्रा का योग बन रहा है और कहीं से कोई अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। कामकाज से संबंधित कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, कामयाबी प्राप्त होगी। थोड़ा तनाव भरा दिन साबित हो सकता है। क्रोध के बजाय आपको ठंडे दिमाग से सभी चीजों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक नए अवसर मिल सकते हैं, उनको आपको भुनाना चाहिए। धन लाभ का उत्तम योग है। परिवार में खुशियों का वातावरण निर्मित होने वाला है और कहीं से कार्यक्षेत्र के लिए एक नई सौगात भी आपको मिल सकती है। और उपाय के रूप में एक काले कपड़े में नारियल रख करके यदि आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। भाग्य आपका साथ देगा और प्रत्येक कार्यों में आपको एक अच्छी ऊंचाई मिलने का योग है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापार व्यवसाय में सहयोगियों से आप ज़्यादा मदद की अपेक्षा न रखें। बेहतर होगा कि आप अपना काम स्वयं करने का प्रयास करें। प्रेम के क्षेत्र में भावनाओं को समझे। यदि आपका साथी रूठा हुआ हो तो उसे मनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। परिस्थितियां हमेशा प्रेम जीवन के लिए बुरी नहीं रहेगी। और उपाय के रूप में यदि आप चावल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।